जब भी कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित होता है तो जरूरी है कि वो ऐसे आहार ले जिससे कि उसका शरीर इस वायरस से लड़ सके। डॉक्टर्स कोरोना वायरस के मरीजों को विटामिन सी और विटामिन डी लेने की सलाह देते हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी मजबूत हो, लेकिन ये कितनी मात्रा में लेना चाहिए इस बात की जानकारी होना बहुत जरूरी है। इस बारे में और जानने के लिए ओनली माई हेल्थ ने एक एक्सपर्ट से बात की। जब आपको कोविड इन्फेक्शन होता है उससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत सफ़र करती है। उस इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलनेस एंड 15 डेज आफ्टर दैट आल्सो विटामिन सी कंटिन्यू लेते रहिए 500 mg ट्वाइस अ डे। विटामिन डी जो होता है वो 60,000 यूनिट वंस अ वीक टोटल ऑफ 8 वीक्स के लिए लेना चाहिए। जिन लोगों को कोविड हुआ है उनको अपना ये कोर्स कंप्लीट करना है। इसके साथ हम जिंकोविट या जिंक कंटेनिंग मल्टीविटामिन भी देते हैं 15 डेज पोस्ट कोविड। तो अगर आप या आपकी फैमिली में कोई कोरोना वायरस से जूझ रहा है तो ध्यान रखें कि आप सही मात्रा में विटामिन सी और विटामिन डी जरूर लें।